नाम है शाश्वत, आप देख रहे हैं टेक फाइबर। और आज इस एक्स्ट्रा की नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने हार्डवेयर बटन्स की जगह अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर बटन्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन बटन्स। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो ये वीडियो को तो मैं आज 25th को ही पब्लिश करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तब फिर 26th को तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो आप सबको एडवांस में एक हैप्पी रिपब्लिक डे सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा क्योंकि आज 25th है और मुझे 5-5 दिन पे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। तब फिर ये है एक नई वीडियो और वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और चलते हैं अभी वीडियो के अंदर। सो ऐप का नाम है सिंपल कंट्रोल सेंटर, सिंपल नेविगेशन बार भी कभी कभी हम लोग उसको बोल लेते हैं, लेकिन उसको कहते हैं सिंपल कंट्रोल। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाके उसको इंस्टॉल करना है। कुछ ऐसा आपको मिलेगा उसका आइकन। मैं पहले करता हूँ नेट को बंद क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एड्स हैं। करते हैं इसको ओपन और सबसे पहले बोल रहा है परमिशंस, ये मांग रहा है कि एक्सेसिबिलिटी को हम लोग स्टार्ट कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट और करते हैं सेट। सो मुझे लग रहा है इसको मिल चुकी है परमिशन, तब जाके ये मुझे एक्सेसिबिलिटी को चालू करने के लिए नहीं दे रहा है। करते हैं नेक्स्ट। सो नो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो करते हैं गो टू सेट और चलते हैं स्विच एक्सेस नहीं, आपको करना है सिंपल कंट्रोल पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल कंट्रोल पे टैप करना है और करना है उसको ऑन। करते हैं ओके और वापस ही आ जाएगा। तो हम लोग को ये तीन बटन्स मिल जाएंगे, चले गए। सो ऐसा कुछ हम लोग को यूज़ करना है इस ऐप को। करते हैं ओके। फॉर एग्जांपल अब ये मेरा लेनोवो K8 नोट है, जिसके अंदर आप लोग ये नहीं देख पाते कि कब मैं होम दबा रहा हूँ या फिर बैक दबा रहा हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने ये ऐप को स्पेशली सेलेक्ट किया है। आगे की वीडियोज़ में आप लोगों को मैं ये ऐप यूज़ करते हुए दिखाई दूँगा। सो या गाइस, आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर कीज हार्डवेयर कीज पसंद नहीं है जो यहाँ रहते हैं। और स्पेशली फॉर सैमसंग यूज़र्स, मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस ऐप को अपने फ़ोन में बैकअप की तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि जो आपके फ़ोन में होम बटन रहता है वो एक तरीके से अगर आपसे गलती से कभी ख़राब हो गया या फिर टूट गया, तब फिर पूरा हार्डवेयर की का सिस्टम जा सकता है। सो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस ऐप को टाइम पे नहीं, थोड़े टाइम पे यूज़ किया कीजिए, जिससे आपका सैमसंग का फ़ोन अच्छे से चलता रहे। सो आते हैं ऐप के ऊपर। सो इधर हम लोग को कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। तो फिर मैंने अभी तक हॉरिजॉन्टल पे किया हुआ है, मेरा फ़ोन हॉरिजॉन्टल लेआउट पे है, तो मैं बॉटम को इनेबल करूँगा, लेफ़्ट और राइट नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम पे ज़्यादा ईजी रहेगा। और लेफ़्ट को मैं बंद कर रहा हूँ इस वाले बटन को। सो यहाँ पे एक आ रहा था बार, वो भी चला गया। अब इस राइट वाले को निकालते हैं। यहाँ पे एक पिंक बैकग्राउंड का करके दिख रहा होगा, तो इसको निकाला है मैंने। और करते हैं थोड़ा इसको कस्टमाइज़। सो विड्थ को मैं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मिल जाए मुझे। सो अभी भी आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा कि मुझसे क्या दब गया। सो उसके लिए तो मैं ये इस ऐप को इंस्टॉल किया हूँ। और चलते हैं अब सेटिंग्स में, इधर कुछ काम का नहीं है। वर्टिकल एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये स्क्रीन पूरी की पूरी रोटेट कर देता है। बॉटम को तो मैं स्टार्ट रखूँगा, लेफ़्ट को बंद करूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं लेफ़्ट या फिर राइट में नेविगेशन बटन्स को यूज़ करूँ। आप लोग अपने यूज़ से रख सकते हैं उसको। मैं हॉरिजॉन्टल पे वापस आऊँगा और करते हैं सेटिंग्स। सो सेटिंग्स में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको ऑन स्क्रीन बटन्स चाहिए तो फिर जो बार है उसके ऊपर से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, जिससे आपको एक छोटा सा बार जैसा मिल जाएगा। अब ये बहुत छोटा है और करते हैं थोड़ा इसको बड़ा। तो बटन पे चलते हैं। सो यहाँ पे आपको अगर चाहिए रहेगा कि जो बैक बटन है वो आ जाए इस जगह पे, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको रीसेंट को टैप करना है, बैक करना है और बैक को करना है रीसेंट। सो ऐसा भी आप कुछ लेआउट बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपका ऐप, आप चाहे जो करें, हो सकता है कुछ भी। तो मुझे तो बैक पहले पसंद है और फिर बाद में रीसेंट, और होम की ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं लगती।
सो सर्च कर सकते हैं आप लोग यहाँ से अगर आप चाहें तो। लॉन्ग क्लिक का ये ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल की जगह मैं सेलेक्ट करूँगा स्प्लिट स्क्रीन को, क्योंकि नोगेट में मुझे वही पसंद है और स्प्लिट स्क्रीन का एक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो चलते हैं वापस, मैंने इसको टेस्ट करते करते बंद भी कर दिया। और कैमरा की जगह पर मैं सेलेक्ट करूँगा, एक्चुअली ये बैक बटन को अगर मैं टैप होल्ड करके रखा तो क्या आएगा, तो उसके लिए तो मैं डिसेबल रखूँगा क्योंकि एंड्रॉयड में वो इनेबल नहीं रहते। सो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है उन सबको कस्टमाइज़ करना। सो इस को बंद करते हैं और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो अगर आप एनिमेशन लवर होंगे तो आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटो हाइड, अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़े टाइम के बाद छुप जाए अपने आप, जैसे कि आपने इधर स्वाइप किया और चाहते हैं कि थोड़े टाइम बाद छुप जाए, तो फिर वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं इसको डिसेबल रखूँगा, मुझे नहीं करना। आउटसाइड टच, अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन के अंदर थोड़े बहुत कॉर्नर्स या फिर इस जगह पे आप टच नहीं कर पाते हैं, मीन्स इसके बार बार, तो फिर आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए। वाइब्रेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपको कितना वाइब्रेट कराना है अपने फ़ोन को जैसे आप इसको टैप करते हैं। कंट्रोल बार की थिकनेस अगर आप चाहें तो बड़ा घटा सकते हैं, आपकी मर्जी। आइकन साइज आप बड़ा घटा सकते हैं, बहुत इजी ऐप है और मैं इसको बढ़ाऊँगा ज़्यादा, मुझे चाहिए। और बैकग्राउंड कलर को मैं चूज़ करूँगा डार्क में, बिकॉज आई लव डार्क, और मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कर दिया हूँ। सो करते हैं ओके, और ये है अमेजिंग। सो या गाइस, इसको तो मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग एक्टिवेटर मिलता है जो आपको ये थ्री डॉट जैसा कुछ मिल जाएगा, जैसे आप इसको टैप करेंगे तो जहाँ पे वो बटन रहेगा वो वहाँ पे भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं राइट में लेके गया तो वहाँ पे चला जाएगा, टॉप पे लेके जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। सो बहुत ईजी ऐप है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सैमसंग वालों कि आप लोग इसको पक्का इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में बहुत बार स्वाइप करना रहता है। आप इधर बैकअप रिस्टोर का भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है। आइकन में चलते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कैसे कैसे आइकन चाहिए, और यहाँ पे थोड़े बहुत आपको प्रीमियम आइकन भी मिल जाते हैं। जो जो आपके पास रेड बैकग्राउंड वाले हैं वो सब प्रीमियम हैं, उनको आपको पैसे दे के ख़रीदना होगा। और जो भी मीन्स ऐसे पर्पल बैकग्राउंड में, वो मीन्स आपको फ्री दिए गए हैं। और मुझे तो पिक्सल साइज़ का पसंद है, तो पिक्सल ही अपना महान। सो इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस ऐप की एक बहुत ही बेकार चीज़, जब भी आप स्पेस बार को टैप करते हैं तब फिर ये अपने आप पॉपअप हो जाता है। तब फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बार को यूज़ करते हैं, वैसे तो सब लोग यूज़ करते हैं, तो और ये थोड़े टाइम के लिए आप इसको एक्टिव रखिए अपने फ़ोन में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपअप होने का इसका ज़्यादा चांस है। सो या गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलूंगा अपने नए वीडियो में, इतनी जल्दी कहाँ छोड़ दूँ। सो या गाइस, बताते हैं इसके एडवांटेज। सो एडवांटेज ये है कि इस ऐप को आप यूज़ करके अपने हार्डवेयर की इसमें जितना भी दम है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ सैमसंग वालों को कि आप लोग इसको इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। साथ ही साथ अगर आपको इसको अगर आप स्वाइप अप करेंगे इधर से ही तो फिर ये बार छुप जाएगा, वापस इसको ऊपर कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है। सो इसके डिसएडवांटेज ये कहना चाहूँगा कि ये अपने आप पॉपअप हो जाता है जैसे आप स्पेस बार दबाते हैं, और अगर आप मींस ज़्यादा स्वाइप करते हैं, लॉक अनलॉक करते हैं, तो फिर तो भी ये पॉपअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी का खतरा रहता है। सो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, ये मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मिक्स सजेशन है इसके लिए। और बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की, उधर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी कमेंट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे ऊपर या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिसको अपने Q&A वाले वीडियो में लेके आऊँगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को फैलाइए सबके साथ, सैमसंग वालों के साथ तो सबसे ज़्यादा ही। सो या गाइस, दैट्स एन एंड फॉर दिस वीडियो, आपको मिलूंगा अपने नए वीडियो में। थैंक्स एंड बाय एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल इन एडवांस। सो या गाइस, थैंक्स एंड बाय।